कंटिन्यू बारिश से बोर हो गया और पागल होने वाला है। एनीवेज हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे छोटे से होम टाउन में इतना कंटिन्यू बारिश आ रहा है, इतना कंटिन्यू बारिश आ रहा है कि हम लिटरली रूम के अंदर बैठ बैठ के पक गया। आज का वेदर देखा तो एक दो घंटे में थोड़ा सा मतलब बारिश रुकने का आशंका है। आई वॉज प्लानिंग टू गो आउट बहुत दिन से, तो मुझे जाना है एक्चुअली पार्लर में जाके मुझे करना है फेशियल एंड पेडिक्योर ऑल्सो। तो गूगल सर्च करके जो बेस्ट रेटेड सलोन है, ब्यूटी सलोन है, उसी में जाएगा। तो माई लैपटॉप इज रेडी हियर, सो लेट मी मेक ए क्विक सर्च। कौन सा सबसे बेस्ट है उसी में जाते हैं गूगल का हिसाब से। तो आ गया रिजल्ट यहाँ। 4.4 स्टार में है ओपल लेडीज ब्यूटी पार्लर एंड 4 स्टार में है आमिन ब्यूटी सलोन एंड स्पा, और रेस्ट का तो है आई थिंक जो है वो सब सलोन है और वो सब जेंट्स का है। ये दो आए, पता नहीं गूगल में शायद हर कोई गूगल मैप में हर किसी का पार्लर है कि नहीं। मैं जाने वाली हूँ ओपल लेडीज ब्यूटी पार्लर, जो कभी पार्लर नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। चलिए चलते हैं, चलिए। सो फाइनली मैं पहुंच गई ओपल लेडीज ब्यूटी पार्लर। चलिए चलते हैं अंदर। तो जैसे मैं अंदर घुसी इट वॉज क्वाइट फुल, दो तीन क्लाइंट्स ऑलरेडी थे यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। वैसे मैंने बोल दिया है कि मुझे करना है पेडिक्योर एंड फेशियल। लुक एट माय नेल्स, इट इज़ सो डर्टी एंड फेशियल ऑल्सो, बहुत सारा क्लीनिंग कराना है। मीन टाइम में लेट मी शो यू गाइज वट आई एम वेयरिंग टूडे। तो मैं घर से दिखाना भूल गई आपको मेरा आउटफिट। तो नीचे मैंने पहना है एक लूज सा पैंट विद ए टर्टल नेक टॉप, टर्टल नेक क्योंकि थोड़ा सा ठंड था, और लूज पैंट ताकि मैं आराम से बैठ सकूँ, एंड दिस ब्लैक बैग वे मैचिंग विद माई ब्लैक हील। सो दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे। केसी का पार्लर में आगे किसी को नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकती। ये मेरा आंटी, हाय। ठीक है ना आप? एकदम चक्का। क्या करने आए? पेडिंग कराने आए। तो मेरा पेडिक्योर हो चुका है, बहुत ज़्यादा साफ लग रहा है और सॉफ्ट भी हो गया पाँव बहुत ज़्यादा। तो ये तो अभी होगा मेरा फेशियल। तो जाने से पहले आई हैव टू गो थ्रू द ऑप्शन कि कौन सा क्रीम से मुझे फेशियल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। तो क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे बता दीजिए फेशियल के लिए? हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू स्किन से ही फेशियल किया जाता है। मतलब मेरा ऐसे कि हम लोग सबसे क्रीम ही यूज करते हैं। अच्छा, तो आपका अगर ड्राई स्किन है तो आप उसके लिए ड्राई स्किन के लिए, फेयर स्किन के लिए आपको व्हाइट ग्लो अच्छा रहेगा, व्हाइट ग्लो कर लीजिए। अगर ऑयली है तो? ऑयली होने से नॉर्मल नॉर्मल हाँ नॉर्मल देख लेते हैं ना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे होता है फेशियल, और यहाँ पे है हेयर वॉश, और यहाँ पे और एक बेसिन और मिरर। तो अभी समय है फेशियल करने का, चलिए। 2000 years later. Hi guys, so finally मेरा फेशियल हो गया। आई वेंट इन टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, बहुत ही अलग दुनिया में चली गई थी, एंड आई थिंक पार्लर में लग गया अराउंड 1.5 आवर इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो भी करना था। एनीवेज यहाँ एक सामने में दुकान में आई हूँ क्योंकि आई हैव टू बाय समथिंग। So come on guys, join me. I have so many things more to do. Let's go. Oh my God. मेरा दिन शुरुआत हुआ नहीं था कि मेरा जूता टूट गया। Such a bad luck. So मैं यहाँ कॉबलर में आई हूँ जूता बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है guys. क्या करूँ अभी? भैया have started making. बोला भैया को ऐसा चिपकाना के लिए कि दोबारा कभी नहीं निकलेगा। लकीली मैं एक स्पेयर चप्पल हमेशा रखती हूँ मेरे पास, तो मैं उसी को लगा लिया है।
सो एंग्री। अनफॉर्चुनेटली मैं घर आ गई, क्या करूँ, सबसे पहले तो मेरा चप्पल टूट गया, इतना ज्यादा गुस्सा आया ना। और लकीली मैंने जो स्पेयर चप्पल लिया था उसी को पहन के मैं वापस आई। सेकेंडली आउट ऑफ द ब्लू इतना सारा धूप आ गया, इतना सारा धूप आ गया जो मतलब वेदर रिपोर्ट में तो था ही नहीं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने फेशियल किया है, फेशियल करने के बाद आप ज्यादा धूप में नहीं जाना है आपको, तो उस कारण से मैं नहीं घूम पाई। और वैसे मुझे बहुत सारा काम था। एनीवेज थोड़ा दुख तो लगा, लेकिन जब घर आया तो आई वाज सो हैप्पी, मेरा पार्सल आ गया। ये दिस आर ऑल फ्रॉम नायका। तो इसको खोलती हूँ और दिखाती हूँ आप सबको मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है फ्रॉम नायका। पहला प्रोडक्ट है ये पॉकेट पफ। ये आपका अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो पाउडर अप्लाई करने के लिए ये जो पफ से आपका पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो जाता है। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को ये यूज़ करने वाला देखा था एंड आई वॉन्टेड टू यूज़ दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो फाइनली मैंने ऑर्डर कर लिया। ये है ट्राइंगल शेप का, आपका पाउडर अच्छे तरह से सेट हो जाता है। सो आई एम सो एक्साइटेड टू यूज दिस। सेकेंड इज दिस, ओ ये क्या है। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऑर्डर याद ही नहीं होते क्या ऑर्डर किया आप। ओके तो सेकेंड है ये के ब्यूटी का ब्लश। मेरे पास एक्चुअली दो ब्लश है, वो जो दोनों ही खत्म होने वाला है, तो मैंने ये ऑर्डर किया था के ब्यूटी का। एक्चुअली अभी तक मैंने एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। ओ माय गॉड, ये टूटा है लग रहा है। ओ बच गया बच गया बच गया। तो ये है के ब्यूटी का ब्लश, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ये क्या आवाज कर रहा था इसमें, कुछ तो आवाज कर रहा था। वाओ, सो के ब्यूटी, जिसको पता नहीं है के ब्यूटी जो है कैटरीना कैफ का ब्यूटी लाइन है। सो दिस ब्लश इज फ्रॉम के ब्यूटी। सो नेक्स्ट इज दिस, ओ वाओ। तो मुझे ना एक्चुअली मेरा फाउंडेशन भी खत्म हो चुका है, मेरे पास जो फाउंडेशन है आई डोंट रिमेम्बर, वो बहुत कम है। तो मैंने बहुत सारा वीडियो देखा था चार्मसी का, तो मैंने चार्मसी का ये फाउंडेशन ऑर्डर किया है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको यूज करने के लिए। वाओ, ये शेड परफेक्टली फिट हो जाएगा मेरे स्किन में, सो नाइस। पैकेजिंग इज सो नाइस एंड ब्यूटीफुल। एक्चुअली हम इतना बड़ा बॉटल इमेजिन नहीं किया था चार्मसी का, बट यस क्वाइट बिग बॉटल। एंड व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, गेस करो। ओके, दिस इज अ ब्रॉन्जर। तो जब भी आप अपना कंटूरिंग करते हैं तो ब्रॉन्जर का बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मेरे पास ब्रॉन्जर नहीं था तो मैंने फाइनली ब्रॉन्जर ऑर्डर कर लिया है। दिस इज फ्रॉम रिमल एंड आई लव दिस। और रिमल का प्रोडक्ट तो वैसे भी अच्छा होता ही है। नेक्स्ट इज दिस, गॉड व्हाट इज दिस। ओके, नेक्स्ट इज दिस कंसीलर। ओके, हम मेकअप का पूरा मतलब सेट ऑर्डर किए, एक्चुअली हमको भी याद ही नहीं आ रहा था। तो एक्चुअली हाँ, मेरा कंसीलर फाउंडेशन ब्लश पूरा सब कुछ खत्म होने जा रहा है, इसके लिए मैंने ऑर्डर किया था। सो दिस कंसीलर इज फ्रॉम एल्फ, और बहुत ही लाइट शेड ऑर्डर किया था एक्चुअली, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा लाइट शेड का कंसीलर चाहिए था कंसील करने के लिए। सो यस दिस इज, और एल्फ का भी ये मेरा पहला प्रोडक्ट है एक्चुअली यूज करने वाला। सो एक बॉक्स में तो इतना ही है। व्हाट इज दिस, ल्यूक्स लग्जरी स्टोर, क्या है ये। ओ माय गॉड, इसका पैकेजिंग इतना मतलब लग्जरी से आया है, सीरियसली। मतलब देखिए, इतना छोटा सा प्रोडक्ट को अलग से एक बॉक्स में पैक किया कि हम खुद ही भूल गया था ये क्या ऑर्डर किया था। सो एनीवेज, ये क्या था हमको याद ही नहीं आ रहा है। दिस इज कुछ तो हेयर से रिलेटेड था। ओके, ये एक्चुअली हेयर मास्क है। ओ गॉड, वेरी मच डिसअपॉइंटेड इस साइज से, इतना छोटा साइज का 800-745 रुपीज दे चार्जिंग। सो मैंने सोचा कि कुछ तो थोड़ा बड़ा होगा, बट एनीवेज इसको ट्राई करके देखते हैं। बहुत ही इसका अच्छा रिव्यूज था नायका में, तो इसके लिए मैंने ऑर्डर किया था इसको, हेयर मास्क को। मेरे बाल जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई एंड बहुत ज़्यादा फ्रिजी है। तो लेट्स अप्लाई दिस।
सो गाइस यही था मेरा हॉल एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वैसे तो प्लान तो था आज बहुत कुछ करने को बट अकॉर्डिंग टू प्लान आज नहीं किया. एनी वेज देर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम. सो आई होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा. सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाई.